नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले शब्दार्थ, सिलसिला यानी क्रम या फिर चलन, विवाद झगड़े को कहते हैं। तमाम का अर्थ होता है सारा। केंद्रित यानी किसी चीज पर आधारित। अनूठी अनोखी को कहते हैं। सहेज कर यानी संभाल कर। शक संदेह को कहते हैं। दायरा यानी सीमा। तलाशते यानी ढूंढते। ठिकानों जगह। साबित यानी सिद्ध करना। हरकारे डाकिये को कहते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह होता है। संस्कृति यानी परंपरा। पाठ्यक्रम सिलेबस को कहा जाता है। आवाजाही यानी आना जाना। देहात यानी गांव। तह गहराई को कहते हैं। बारीकी का अर्थ है सूक्ष्मता। बेसब्री यानी बेचैनी। मिसाल उदाहरण को कहते हैं। परिवहन यातायात को कहा जाता है। इकलौता यानी अकेला। विकसित बढ़े हुए को कहते हैं। पुरखों यानी पूर्वजों। संजोकर या फिर सहेज कर इसका अर्थ है संभाल कर। विरासत यानी धरोहर। उद्यमी व्यापारी को कहते हैं। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। तमाम यानी सभी। हस्तियों प्रसिद्ध लोगों को कहा जाता है। पैमाना यानी मापदंड। साबित करना यानी सिद्ध करना। दिग्गज महान या फिर बहुत बड़ा व्यक्ति। जमीनी यानी वास्तविक। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र। दस्तावेज प्रमाण पत्र को कहा जाता है। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले। मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार। संग्रह यानी जमा करना। प्रकाशित छापना को कहते हैं। तथ्य का अर्थ है सच्चाई। मनोदशा इसका अर्थ होता है मन की दशा। लेखा जोखा यानी हिसाब किताब। अहमियत महत्व को कहते हैं। आलीशान यानी शानदार। दुर्गम का अर्थ है कठिन रास्ते। ठाणी कच्चे मकानों की बस्ती को कहा जाता है। आयामी यानी हर तरफ जिसे डायमेंशनल कहा जाता है। अर्थव्यवस्था घर चलाने का जरिया। गुडविल डाक विभाग का अर्थ है अनौपचारिक पत्रों का विभाग। तो बच्चों ये तो थे हमारे शब्दार्थ। आइए अब करते हैं एमसीक्यू प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। देखें आपने पाठ को कितना समझा और कितना जाना। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के लेखक कौन हैं? रामदर्श मिश्र, अरविंद कुमार सिंह, भगवती चरण वर्मा या फिर हरिशंकर परसाई? उत्तर है अरविंद कुमार सिंह। इस समय चिट्ठी पत्री की क्या स्थिति है यानी वर्तमान समय में इनकी क्या हालत है? इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। अब कोई पत्र नहीं लिखता। आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता घट गई है। उत्तर है आज भी लोकप्रिय हैं। पत्रों ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? कला के क्षेत्र को, राजनीति के क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र को या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, पत्र को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? उत्तरम कागद, खत, कड़िद। उत्तर है कड़िद। पूरे संसार का साहित्य किस पर आधारित है या केंद्रित है? लेखकों पर, समाचार पत्रों पर, पत्रों पर या फिर कार्यकर्ताओं पर? आपको इसका उत्तर अवश्य आता होगा। आइए उत्तर देखें। पत्रों पर। पत्र किन्हें संभाल कर रखते हैं? हमारी लिखावट को, लोगों को, यादों को या फिर टिकटों को? उत्तर है यादों को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पत्रों पर किस जगह का पता लिखा होता था? अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती या फिर महात्मा गांधी इंडिया? उत्तर है महात्मा गांधी इंडिया। पंत जी ने 200 पत्र किसे लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हरिवंश राय बच्चन को या फिर महात्मा गांधी को? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन।
संदेश पहुंचाने का काम कौन शीघ्र करने लगा? घोड़े, वायुयान, रेलवे और तार, या फिर कबूतर? उत्तर है रेलवे और तार। अगला प्रश्न, पत्रों की विशेषता होती है, ये लिखित होते हैं, ये पूर्ण गोपनीय होते हैं, ये लिखित और गोपनीय होते हैं, या फिर ये चिरस्थायी होते हैं? उत्तर है ये लिखित और गोपनीय होते हैं। पत्र किन किन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं? राजनीति के, कला के, साहित्य के, या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई थी? पत्र भेजने की परंपरा, पत्र लिखने की परंपरा, पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं, या उपरोक्त सभी? उत्तर है पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं, ये आयोजित की गई थीं। अगला प्रश्न देखें, गांधी जी को लिखे गए किसके पत्र बहुत प्रेरक हैं? गोर्की, हरिवंश राय बच्चन, जवाहरलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। चिट्ठियों की तेजी को किसने प्रभावित किया है? फैक्स ने, ईमेल ने, मोबाइल ने, या फिर उपरोक्त सभी ने? चलिए देखें उत्तर, उपरोक्त सभी ने। लेखक ने पत्र लेखन को क्या कहा है? एक विज्ञान, एक कला, एक शाप, या फिर एक वरदान? उत्तर है एक कला, पत्र लेखन एक कला है। अगला प्रश्न कहता है, MMS का अर्थ क्या होता है? चिट्ठियों से भेजा गया संदेश, तार के द्वारा भेजा गया संदेश, फोन से भेजा गया संदेश, या फिर मोबाइल फोन पर लघु संदेश सेवा? उत्तर है मोबाइल फोन पर लघु संदेश सेवा। बच्चों, SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि लघु संदेश सेवा। आधुनिक संचार के साधन होते हुए भी पत्रों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? ये स्थायी होते हैं, गोपनीय होते हैं, पूरी तरह से भावात्मक होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी। पत्रों की आवाजाही प्रवाहित होने का क्या कारण है? किस कारण से ये प्रभावित हुई? संचार साधनों की कमी होने से, लोगों की रुचि कम हो जाने से, डाकिये की कमी के कारण, या फिर संचार साधनों के बढ़ जाने के कारण? उत्तर है संचार साधनों का बढ़ना। पत्र लेखन की प्रतियोगिता कब से शुरू की गई? सन 1971 से, सन 1972 से, सन 1974, या फिर सन 1976 से? उत्तर है सन 1972 से। एक व्यक्ति को किस संदेश के द्वारा सबसे अधिक संतोष मिलता है? SMS के द्वारा, MMS के द्वारा, पत्र के द्वारा, या फिर तार के द्वारा? पत्र के द्वारा। चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका? फैक्स ने, ईमेल ने, टेलीफोन और मोबाइल्स ने, या उपरोक्त सभी ने? उत्तर है उपर्युक्त सभी। अभी हमने पीछे भी इसी प्रकार का एक प्रश्न किया है, उसी को थोड़ा विस्तार से यहाँ खोलकर बताया गया है। अगला प्रश्न, पत्र संस्कृति के विकास के लिए पत्र लेखन को कहाँ शामिल किया गया? विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में, समाचार पत्रों में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर है स्कूलों के पाठ्यक्रम में। भारत में प्रतिदिन कितने पत्र डाक में डाले जाते हैं? 2.5 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़, या फिर 5 करोड़? उत्तर है 4.5 करोड़। पत्रों का उत्सुकता से कौन इंतजार करता है? रिश्तेदार, सैनिक, डाकिये, या फिर बच्चे? उत्तर है सैनिक। तो बच्चों, ये तो थे हमारे MCQ प्रश्न, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब देखते हैं लघु तथा विस्तृत प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, आजादी के समय में पत्रों ने किस प्रकार भूमिका निभाई? उत्तर है, आजादी के आंदोलन की कई नई अन्य दिग्गज हस्तियों के संदेशों को जनता तक पहुंचाने में पत्रों ने बहुत मदद किया, ये बहुत सहायक सिद्ध हुए। गांवों या गरीब बस्तियों में किसे देवदूत के रूप में देखा जाता है? इसका उत्तर आप अवश्य जानते होंगे। गांवों या गरीब बस्तियों में
चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाले डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है, यानी ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर है, खत उर्दू भाषा में, कागद कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु भाषा में, लेख भी तेलुगु में कहा जाता है, कड़िद तमिल भाषा में, पाती हिंदी में, चिट्ठी हिंदी में और पत्र संस्कृत भाषा में कहा जाता है। अगला प्रश्न, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? उत्तर है, पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। 6 नंबरों को मिलाकर तैयार किया गया यह कोड आपके क्षेत्र की पूरी जानकारी देता है। इसका हर नंबर किसी खास क्षेत्र के लिए तैयार किया गया होता है। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर क्यों आते थे? उत्तर है, महात्मा गांधी अपने समय के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। सभाओं और आंदोलनों के सिलसिले में वो देश में अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। गांधी जी देश के किस कोने में हैं, ये बात देशवासियों को पता रहती थी। इसलिए दुनिया भर से महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर भेजे गए पत्र उन तक जरूर पहुंच जाते थे। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या फिर SMS का संदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वो नए जमाने के संचार साधन नहीं कर सकते। फोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षेप में लिखकर भेजा जाता है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन के भावों को खुलकर प्रकट कर सकते हैं। पत्रों से हमारी आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। पत्र राजनीति, साहित्य और कला क्षेत्र में आंदोलन का कारण बन सकते हैं, फोन या SMS का संदेश नहीं। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स रहे, फिर तेज घोड़े आते रहे, इसके बाद पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया को बदल रहे हैं। सर्वाधिक गुडविल किस विभाग की है और क्यों? सबसे अधिक गुडविल डाक विभाग की ही है, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी इलाके हों, आलिशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, जंगल से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ी लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में जो चूल्हे हैं वो आज भी मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं, यानी जो मनी ऑर्डर से पैसा आता है उससे ही वो चलते हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए कई प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष की कम आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है, चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल नहीं ले सकते, क्योंकि पत्रों का चलन ना तो कभी कम हुआ था ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण हैं। आज ही आवश्यकताओं में तो जरूर आते हैं, लेकिन ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अगला प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं?
तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को संभालकर संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS या MMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। फोन में इन संदेशों को अधिक समय तक संभाल कर रखना भी कठिन होता है। महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। दुनिया के बहुत से संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। इसीलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS या MMS नहीं। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। बैरंग का मतलब बिना टिकट लगाए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की कीमत जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। आइए अब देखते हैं भाषा की बात से प्रश्न। प्रश्न है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी इसी प्रकार से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, छमाही पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र और निमंत्रण या आमंत्रण पत्र। बच्चों, छमाही यानी 6 महीने में मिलने वाला और दैनिक यानी रोजाना मिलने वाला, पाक्षिक 15 महीने में मिलने वाला। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय जोड़ने से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। बच्चों, प्रत्यय का अर्थ होता है शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनने वाले शब्द हैं स्वाभाविक, साहित्य के पीछे एक लगाकर साहित्यिक, ऐसे ही व्यवसाय से व्यावसायिक, दिन से दैनिक, प्रकृति से प्राकृतिक, जीव से जैविक, प्रारंभ से प्रारंभिक, पुराण से पौराणिक, इतिहास से ऐतिहासिक और संस्कृति से सांस्कृतिक बनता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के लगभग बहुत से प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आपको पूरा पाठ सही से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ एक नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।